एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक नए दिन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट डू यू मीन बाय इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन, एक्सप्लेन। द प्रोसेस ऑफ मूविंग इनपुट एंड आउटपुट डाटा इज कॉल्ड इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। अब ये जो प्रोसेस है, जो भी डाटा हम इनपुट या आउटपुट करते हैं उसको मूव करते हैं, तो उस मूव करने वाली प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इनपुट आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट वो है इनपुट रीडायरेक्शन। इनपुट रीडायरेक्शन क्या है? द स्टैंडर्ड इनपुट रिसीव इनपुट फ्रॉम ए फाइल। अब ये जो स्टैंडर्ड इनपुट है ये हमें रिसीव होती है एक फाइल से, रादर देन अ कीबोर्ड, एक कीबोर्ड की अपेक्षा। एंड लेस देन ऑपरेटर इज यूज फॉर रीडायरेक्टिंग द स्टैंडर्ड इनपुट ऑफ, और जो लेस देन ऑपरेटर है वो यूज होता है हमारा कैट कमांड के साथ स्टैंडर्ड इनपुट को रीडायरेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। नीचे सिंटैक्स दिया हुआ है यहाँ पे, कैट लेस देन कूल डॉट टी एक्स टी। अब ये क्या करेगा, जो इनपुट हम रिसीव करेंगे वो फाइल से रिसीव करेंगे एक कीबोर्ड के अपेक्षा। ठीक है, तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हमने जो फाइल बनाई थी वो एफ ड्राइव में सुनील नाम का जो फोल्डर था उसके अंदर बनाई थी फाइल। चलो उसके अंदर पहले एंटर करते हैं। उसके लिए हमारे पास कमांड रहेगी सीडी, यानी कि चेंज डायरेक्टरी, एफ ड्राइव, एफ ड्राइव में सुनील नाम का जो फोल्डर है वो। तो ये हमारा रूट आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसके अंदर जो भी फाइल्स हैं वो हैं कूल डॉट डॉक है, कूल डॉट टी एक्स टी है, फाइल्स है, फोल्डर बना हुआ है इसके अंदर, बाकी टायर फाइल्स बनी हुई है। चलो अब जो इनपुट हमने रीडायरेक्ट करनी है वो करते हैं। चलो कूल डॉट टी एक्स टी से कर लेते हैं, जो है जैसे वहाँ पे लिखा हुआ है हमने। ठीक है, तो इसके लिए जो कमांड है हमारे पास कैट लेस देन कूल डॉट टी एक्स टी, तो ये इसके अंदर जो भी लिखा हुआ था ये इनपुट हो गया इसके अंदर। ठीक है, देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु ऑलवेज। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इनपुट रीडायरेक्शन, जो इनपुट रिसीव करती है फाइल से रादर देन अ कीबोर्ड। ठीक है, अब सेकंड पे आती है हमारी आउटपुट रीडायरेक्शन। आउटपुट रीडायरेक्शन क्या है? द स्टैंडर्ड आउटपुट रीडायरेक्ट आउटपुट फ्रॉम ए फाइल। अब ये जो स्टैंडर्ड आउटपुट है ये रीडायरेक्ट होती है हमारी फाइल से रादर देन स्क्रीन, एक स्क्रीन की अपेक्षा। समझ रहे हैं ना, स्क्रीन की बजाय कहाँ से रिसीव होती है हमें ये आउटपुट, फाइल से। फॉर एग्जाम्पल द आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर ग्रेटर देन हेल्प्स टू क्रिएट अ फाइल। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि द आउटपुट रीडायरेक्शन ऑपरेटर जो है वो जो ग्रेटर देन है वो हेल्प करता है हमारी फाइल को क्रिएट करने में विद कैट कमांड, कैट कमांड के साथ। एंड डबल ग्रेटर देन हेल्प्स टू एडिट टेक्स्ट इनटू एन एग्जिस्टिंग फाइल। और डबल अगर हम ग्रेटर देन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, एडिट करेगा हमारी जो भी पहले से बनी हुई है फाइल उसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक एक करके करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट विल क्रिएट अ न्यू फाइल। अब ये जो लेस देन है ना, कैट के साथ लेस देन और आगे फाइल नेम डॉट टी एक्स टी लिखते हैं तो ये नई फाइल को क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पहले तो नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। और सेकेंड पॉइंट में क्या करेगा ये डबल ग्रेटर देन, इट विल एडिट द टेक्स्ट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। मान लो अगर हमने पहले से बनी हुई फाइल में कोई टेक्स्ट ऐड करना है तो हम कैट के साथ डबल ग्रेटर देन लिखेंगे और जो फाइल हमने क्रिएट की हुई है जिसके अंदर हमने पहले से ही मटेरियल लिखा हुआ था उसके अंदर एडिटिंग करेगा। ठीक है, तो इसी नाम नाम से बना लेते हैं फाइल। लेकिन हालांकि आप जो है अपने हिसाब से फाइल का नाम रख सकते हैं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखाने में फाइल नेम ही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको आपने अच्छी तरह से समझ लेना है। ठीक है, कैट ग्रेटर देन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया। अब यहाँ पे मैंने ये पीछे एक ये अलग फाइल ही थी, इसी मटेरियल को मैं दोबारा लिख रहा हूँ इसी फाइल के अंदर। देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु ऑलवेज। ठीक है, और सेव करने के लिए कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी, ये हो गया हमारा।
सेव इस फाइल के अंदर। ठीक है, अब इस फाइल के अंदर जो भी है उसको देखना हो तो उसके लिए इनपुट वाला ऑपरेटर है हमारे पास कैट लेस देन कोल डॉट टी एक्स टी के अंदर, ये जब हमने यूज किया था ना तो कोल डॉट टी एक्स टी से इसने इनपुट को रीडायरेक्ट किया था, मतलब हमें दिखाया था कि क्या है इस फाइल के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इस फाइल के अंदर जो हमने अभी भरा है कैट लेस देन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी, ये इसके अंदर जो हमने अभी लिखा है इसके अंदर। अब मान लो इसके अंदर और भी टेक्स्ट हमने अपेंड करना है, कुछ और भी लिखना है इसके अंदर, तो हम क्या करेंगे डबल ग्रेटर देन यूज करेंगे कैट ग्रेटर देन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी। ठीक है, अब यहाँ पे एक लाइन थी पहले देयर आर मैनी पीपल्स इन दिस वर्ल्ड हु ऑलवेज, यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑलवेज टॉक अबाउट मेयर हिपोक्रेसी। ठीक है, कंट्रोल डी और ये हमारा जो है जो हमने मटेरियल लिखा, अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये इसके साथ अपेंड हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, कैट लेस देन फाइल नेम डॉट टी एक्स टी देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु ऑलवेज टॉक अबाउट मेयर हिपोक्रेसी। ठीक है, ऐड हो गया इसके साथ, तो ये था आउटपुट रीडायरेक्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट डू यू मीन बाय पाइपलाइन एक्सप्लेन। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है, तो आपने अच्छी तरह से तैयार कर लेना है इनको। द पाइप ऑपरेटर, ये जो वर्टिकल बार है ना कीबोर्ड के ऊपर है ये, आप इसको देख सकते हैं कीबोर्ड में ये एंटर की के साथ रहता है उसके ऊपर। ठीक है, द पाइप ऑपरेटर वर्टिकल बार करेक्टर इस्टेब्लिश अ लिंक बिटवीन टू कमांड्स। अब ये जो पाइप ऑपरेटर है ये जो वर्टिकल बार है ये इस्टेब्लिश करती है एक लिंक दोनों कमांड दो कमांड के बीच में, दो या दो से ज्यादा कमांड के बीच में लिंक इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि दो 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 कमांड्स को हम इकट्ठा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल ls कमांड विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ फाइल, ये हमने पीछे भी की हुई थी कमांड ls, l स्टैंड फॉर लिस्ट, लिस्टिंग के लिए, फाइल की लिस्टिंग के लिए। अब ls कमांड विल जनरेट अ लिस्ट ऑफ फाइल नेम एंड LPR कमांड विल सेंड द लिस्ट टू ए प्रिंटर, और LPR कमांड जो है वो क्या करेगी, जो भी लिस्ट फाइल की लिस्ट जनरेट होगी उस सारी की सारी लिस्ट को ये प्रिंटर पे भेजेगी प्रिंट के लिए। ठीक है, नीचे एक सिंटैक्स दिया हुआ है ls, नीचे बीच में ये वर्टिकल बार पाइप ऑपरेटर और साथ में LPR। अब ये मेरे पास यहाँ लैपटॉप पे काम नहीं करेगी क्योंकि प्रिंटर भी साथ में अटैच्ड चाहिए है ना, ls तो लिस्टिंग कर देगी लेकिन उस लिस्ट को प्रिंटर के ऊपर प्रिंट के लिए भेजना होगा, साथ में प्रिंटर का लगा होना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है डिफाइन टर्मिनल। टर्मिनल क्या है, ये तो हमने प्रैक्टिकली अभी कर भी लिया और अभी कर भी रहे हैं, जिसके अंदर हम सारी की सारी कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, ये टर्मिनल ही है। ठीक है, यहाँ पे विंडो में इसका नाम सीवाईजी भी है और लिनक्स और उबंटु में इसको टर्मिनल बोल देते हैं। ठीक है, कमांड शेल और शेल भी बोलते हैं इनको, शेल्स ही होते हैं, सेल्स की बहुत सारी टाइप्स होती है, हम बैश शेल यूज कर रहे हैं। तो टर्मिनल, टर्मिनल इज ए कमांड लाइन इंटरफेस इन ए ग्राफिकल एनवायरनमेंट फॉर मैनिपुलेटिंग कमांड इन सेल्स। ठीक है, टर्मिनल क्या है, कमांड लाइन इंटरफेस है ग्राफिकल एनवायरनमेंट के अंदर, जो कमांड की मैनिपुलेशन के लिए, सेल्स के अंदर कमांड की मैनिपुलेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अ टर्मिनल विंडो इज ऑलवेज नॉन एज टर्मिनल एमुलेटर। अब ये जो टर्मिनल विंडो है इसको टर्मिनल एमुलेटर के नाम से भी जानते हैं। चलिए, ये टर्मिनल का कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, डिफाइन फाइल सिस्टम ऑफ लिनक्स। अब सबसे पहले हम फाइल सिस्टम को समझ लेते हैं कि फाइल सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है, इसका काम क्या होता है। अब चाहे विंडो है चाहे वो लिनक्स है, ठीक है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर फाइल सिस्टम का क्या काम रहता है। अ फाइल सिस्टम हेल्प्स इन डिस्क पार्टीशनिंग, यहाँ पे पार्टीशनिंग हो गया था, यहाँ पे पार्टीशनिंग कर लेना, मैं यहाँ पे करेक्ट कर देता हूँ, डिस्क पार्टीशनिंग। ठीक है, डिस्क पार्टीशनिंग, अ फाइल सिस्टम हेल्प इन डिस्क पार्टीशनिंग एंड क्रिएट अ फाइल स्ट्रक्चर
और ऑर्गेनाइज फाइल ऑन ए स्टोरेज प्लेस। अब फाइल सिस्टम क्या करता है हमारी डिस्क पार्टीशनिंग में, ये जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है ना उसकी पार्टीशनिंग करने में, जो हमें ड्राइव्स नजर आती है ना सी डी ई एफ में नजर आती है, ये यहाँ पे जैसे ये है सी ई एफ है ना, ये जो पार्टीशनिंग की हुई है इस पार्टीशनिंग में हेल्प करता है हमारा फाइल सिस्टम, ठीक है। और इसके अलावा क्रिएट फाइल स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर भी क्रिएट करता है और ऑर्गेनाइज फाइल और फाइल्स को ऑर्गेनाइज भी करता है ऑन ए स्टोरेज प्लेस, किसी स्टोरेज प्लेस के ऊपर, ठीक है। लिनक्स इंक्लूड फाइल सिस्टम, अब लिनक्स के अंदर जो फाइल सिस्टम है वो कौन कौन से हैं, ई एक्स टी टू है, एक्सटेंडर टू है, एक्सटेंडर थ्री है, जे एफ एस है, एक्स एफ एस है, ये लिनक्स के फाइल सिस्टम है, ठीक है। और ये जो फाइल सिस्टम है अब ये होते कहाँ पे, देखो द रूट फोल्डर ऑफ लिनक्स कंटेन दी फॉलोइंग फोल्डर्स। अब लिनक्स के जो फाइल सिस्टम है वो इस तरह से हमें डिस्प्ले होते हैं, स्लैश बिन, इट कंटेन यूजर कमांड बाइनरीज, इसके अंदर यूजर कमांड की बाइनरीज रहती हैं, ठीक है। बूट, इट कंटेन बूट लोडर फाइल्स, इसके अंदर बूट लोडिंग की फाइल्स रहती हैं इंक्लूडिंग कर्नल, ठीक है। कर्नल का कॉन्सेप्ट भी आएगा आगे आगे अभी चैप्टर में, ठीक है। DEV, इट कंटेन ऑल हार्डवेयर डिवाइसेस फाइल, अब हार्डवेयर की जो भी डिवाइस लगी होती है कंप्यूटर में के अंदर लगी होती है बाहर से अटैच करते हैं वो सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर स्टोर होती है, वो सारी की सारी फाइल्स इसके अंदर ऑर्गेनाइज होती है, ठीक है, इस फाइल सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट है होम, इट कंटेन यूजर पर्सनल फाइल, अब ये जो होम डायरेक्टरी है या जो फाइल सिस्टम है ये यूजर की जो पर्सनल फाइल्स है उनको अपने अंदर कंटेन करेगा, ठीक है। MNT stand for mounting. It contain mount point for mounted file system. अब जो file system हम mount करते हैं ये उन सारी की सारी files को अपने अंदर contain करता है, जैसे यहाँ पे लिखा हो MNT CD ROM, ठीक है। अब विंडोज में mounting ये automatic ही perform हो जाती है जब हम विंडोज में किसी भी drive को format करते हैं, ठीक है। Linux में हमें ये mount करनी पड़ती है, ठीक है, फिर बाद में जाके वो format होती है। नेक्स्ट है स्लैश यूएसआर, इट कंटेन यूजर फाइल, के अंदर जो भी यूजर क्रिएट होते हैं चाहे वो कितने भी अकाउंट आपने क्रिएट किए होंगे यूजर, वो सारी की सारी फाइल्स इस डायरेक्टरी इस फाइल सिस्टम के अंदर रहती है, ठीक है। नेक्स्ट है स्लैश वीआर, इट कंटेन एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉगिन डाटा, ठीक है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटर का जो भी लॉगिन डाटा है वो सारा इसके अंदर रहता है। नेक्स्ट है स्लैश पीआरओसी, इट कंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ सिस्टम प्रोसेसेस, अब कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसेस चल रही होती हैं सीपीयू की वो सारी की सारी प्रोसेसेस की डिटेल जो है वो पीआरओसी के अंदर, पीआरओसी स्टैंड फॉर प्रोसेस, ठीक है। तो ये था लिनक्स का फाइल सिस्टम, ठीक है, इसके अंदर ही सारी की सारी फाइल्स को ये ऑर्गेनाइज करके रखता है, ठीक है। और काम में आते हैं इसके जो वर्जन है फाइल सिस्टम के, ext2, ext3, ext4 है, ठीक है, jfs और xfs। अब चलिए फाइल सिस्टम देख लेते हैं कि किस तरह से, ये देखो ऐसे नज़र आता है ये उबंटू के अंदर और लिनक्स के अंदर, जैसे ये बिन है, बूट है, सीडी रोम है, ईटीसी होम, एलआईवी, एमएनटी, ओपीटी रूट, रन, एसबीएन, इस तरह से इसका फाइल सिस्टम बना होता है ये, ठीक है, ये लिनक्स के अंदर बना हुआ है इसका जो फाइल सिस्टम है। और इस तरह से ये जो इसकी डिस्क है ना, इसकी जो ड्राइव है हार्ड डिस्क है वो इस तरह से, और यहाँ पे दिखा रहा है ये माउंटेड एट फाइल सिस्टम ext4 एक्सटेंडेड 4 में है ये फॉर्मेट, ये जो भी डिस्क जो भी इसकी जो पार्टीशन है जो फॉर्मेट है, ठीक है, ext4 फाइल सिस्टम है। और विंडोज़ की, चलिए मैं आपको विंडोज़ की दिखा लेता हूँ कि विंडोज़ की जो फाइल सिस्टम है वो कैसे नज़र आती है ड्राइव्स की, जैसे यहाँ पे चलते हैं इस पीसी में और यहाँ पे जैसे ये सी है इसकी पार्टीशन को देखते हैं, जैसे यहाँ पे अगर हम फॉर्मेट पे क्लिक करें ना तो एक मिनट यहाँ पे इसको हम कैंसिल कर देते हैं, इसको हम फॉर्मेट नहीं करेंगे, इसे देखते हैं इस ऑप्शन को फॉर्मेट, सी के अंदर विंडोज है ना तो ये नहीं लेगी इस कमांड को, यहाँ पे ले रही है, देखो ये हमारा विंडोज के अंदर फाइल सिस्टम है NTFS है, ठीक है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, और पेन ड्राइव का रहता है FAT32 में फाइल एलोकेशन टेबल, ये NTFS है विंडोज में।
और लिनक्स में और उबंटू में क्या था, वहाँ पे EXT4, EXT3, ठीक है, ये न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम जिसमें सारी की सारी ये ड्राइव जो है वो फॉर्मेट हुई है। और यहाँ पे ये देखो, ये ड्राइव जो है वो इसमें माउंट हुई है, इसमें फॉर्मेट हुई है, EXT4 में माउंटेड है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, डिफाइन वी आई एडिटर। वी आई स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर, ठीक है, वी आई स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर। जैसे विंडोज एक छोटा सा प्रोग्राम है ना, नोट पैड, जैसे वहां पे हम एडिटिंग का काम करते हैं, इसके अंदर ये भी एक एडिटर है, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। जैसे हम प्रोग्रामिंग करनी हो ना, HTML के कोड लिखने हो, तो हम उसको नोट पैड के अंदर लिख लेते हैं। अगर इसमें लिनक्स में हमने कोडिंग करनी हो तो उसके लिए वी आई एडिटर, विजुअल एडिटर है। इट इज़ ए डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर दैट कम्स विद लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये इसके अंदर इन डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर है, इसके अंदर इनबिल्ट एडिटर है जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आता है, उबंटू के साथ आता है, एंड इट इज़ यूज फॉर एडिटिंग फाइल्स इन लिनक्स। और इसका जो इस्तेमाल है फाइल्स को एडिट करने में किया जाता है लिनक्स के अंदर। विम एडिटर इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ वी आई एडिटर। अब वी आई के बाद हम विम यूज कर रहे हैं, विम आ गया है, इसके बाद एडवांस वर्जन आ गया है इसका। विम एडिटर इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ वी आई एडिटर दैट इंक्लूड ऑल कमांड्स एंड ऑल फीचर्स ऑफ वी आई एडिटर। अब विम एडिटर जो आ गया है, इसके अंदर बहुत सारी फीचर्स है, और सारी की सारी फीचर्स एडवांस लेवल की हैं। इसके अलावा वी आई की फीचर्स भी इसके अंदर ही हैं, ठीक है, पहले जो उसका ओल्ड वर्जन था। इट ऑपरेट इन थ्री मोड्स, या तीन मोड के ऊपर ऑपरेट होता है, इंसर्शन मोड, रेगुलर मोड, रिप्लेसमेंट मोड, तीन मोड पे ये काम करता है, ठीक है। अब एक एक करके इसको देख लेते हैं। सबसे पहले है इंसर्शन मोड। दिस मोड इनेबल अस टू इंसर्ट अ करेक्टर इनसाइड ए डॉक्यूमेंट। अब ये जो इंसर्शन मोड है, दिस मोड इनेबल अस टू इंसर्ट करेक्टर इनसाइड ए डॉक्यूमेंट। इस मोड में हम डॉक्यूमेंट के अंदर करेक्टर्स को एंटर करते हैं, और ये मोड जो है वो कमांड लाइन पे एक्टिवेट होता है, ठीक है। इसमें भी ऐसा नहीं कि डायरेक्ट लिखना शुरू कर दिया, जैसे नोट पैड के अंदर हम लिखना शुरू करते हैं विंडोज के अंदर, ये कमांड के ऊपर चलते हैं, ठीक है। मैंने जो लिनक्स का जो विम है एडिटर है, उसको मैंने विंडो के अंदर इंस्टॉल कर दिया। मैं आपको विंडोज के अंदर इसको रन करके दिखा दूंगा, पर हाँ डिफरेंस ये है कि ये वाला विम एडिटर जो है, ये विंडो वाला है, ये उबंटू के अंदर नहीं चलेगा, उबंटू के अंदर उसका अपना ही चलता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि विंडोज के सॉफ्टवेयर विंडो के अंदर ही चलेंगे, और उबंटू या लिनक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरह से काम करेगा ये। वी कैन सिंपली स्विच टू दिस मोड बाई प्रेसिंग आई की। विम एडिटर को ओपन करने के बाद हमें इसके अंदर अगर लिखना होगा, यानी कि इंसर्ट मोड पे लेके आना होगा, तो आई की हमें प्रेस करना पड़ेगी, या फिर कीबोर्ड से इंसर्ट की जो है वो भी प्रेस कर सकते हैं। एंड कैन प्रेस एस्केप की स्विच टू द रेगुलर मोड। और उसके बाद अगर हमने वापस नॉर्मल यानी कि रेगुलर मोड पे जाना होगा, तो एस्केप की जो है हमें कीबोर्ड से प्रेस करनी। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे ये है बीम एडिटर, ये है बीम एडिटर। यहाँ पे देखो, अगर मैं डायरेक्ट लिखना शुरू कर देता हूँ ना, ठीक है, अब जैसे मैंने आई प्रेस कर दी, यहाँ आई प्रेस कर दी, इसलिए लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। इस मोड में हमें अगर लिखना हो, एडिट करना हो, तो इसके लिए हमें आई की प्रेस करना पड़ेगी, और ये फिर लिखना जो है शुरू कर देगा, ठीक है। आई की हमें प्रेस करना पड़ेगी इस मोड के ऊपर, तब इसके अंदर हम लिखना शुरू कर सकते हैं। उसके बाद हमने वापस रेगुलर मोड के ऊपर लौट जाना है, तो इसके लिए हमें एस्केप की प्रेस करना पड़ेगी कीबोर्ड से, ठीक है। ये एस्केप की दबा दी तो हम रेगुलर मोड पे वापस हो गए। आई की प्रेस करते ये इंसर्ट मोड में आ जाता है। जैसे मैं आई प्रेस कर रहा हूँ ना, तो ये देखो, ये जो इसका ये जो पॉइंटर है ना, ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे, इसका जो कर्सर है, तो आई की को प्रेस करते ये देखो चेंज हो गया, ये रिटर्न मोड में आ गया, ठीक है। अब जैसे मैंने फिर एस्केप की को दबाया, तो ये फिर चला गया रेगुलर मोड,
ठीक है। अब रेगुलर मोड पे क्या काम होता है, दिस मोड अलाउज टाइप कमांड इन ए रेगुलर मोड, ठीक है। इस मोड के अंदर हमें ये मोड हमें अलाउ करता है कि कमांड टाइप करें रेगुलर मोड के अंदर, वेयर वी कैन मूव कर्सर अराउंड विद द कर्सर की, जहां पे हम कर्सर को मूव कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है। अब देखो आगे पीछे कैसे, ये देखो मैं कर्सर की को प्रेस कर सकता हूँ, लेकिन ये देखो आगे पीछे मैं मूव कर रहा हूँ इसको। अब इस मोड पे अगर हमने डिलीट करना होगा तो हमें यहाँ से एक्स और डी डी की जो है वो प्रेस करना पड़ेगी, रेगुलर मोड के अंदर अगर हमने डिलीशन करनी हो तो इसके लिए हमें एक्स एंड डी डी की विल हेल्प टू डिलीट करेक्टर अंडर कर्सर, ठीक है। एक्स फॉर सिंगल लाइन एंड डी डी फॉर ऑल लाइन, ठीक है। एक्स जो है वो सिंगल लाइन को डिलीट करेगा और डी डी जो है वो पूरी की पूरी लाइन को डिलीट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत मटेरियल पहले लिख ही लेते हैं। आई की पर प्रेस की, मैंने एंटर प्रेस किया और कुछ भी लिख दिया जैसे मान लो इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद मैंने एस्केप की प्रेस की और मैं रेगुलर मोड में वापस आ गया। अब ये जो कीज काम करेंगी ना डिलीट के लिए रेगुलर मोड में, डी डी और एक्स, ये तभी काम करेंगी अगर ये रेगुलर मोड में होगा, ठीक है। तो मैं डी की प्रेस कर रहा हूँ, ये देखो डिलीट कर रहा है, ठीक है। और एक्स की जो है सिंगल लाइन को ही करेगा ना, और डी डी प्रेस करते चलेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन निकाल देते हैं, डिलीट कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख देता हूँ, आई की मैंने प्रेस की, माय नेम इज सुनीश, ठीक है। ये था इसका, अब इसको वापस कर देता हूँ मैं रेगुलर मोड। अब तीसरे पे है इसका रिप्लेसमेंट मोड, दिस मोड अलाउ अस टू रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट। अब इस मोड में हम टेक्स्ट को दूसरे टेक्स्ट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, मतलब कि इसमें एडिटिंग कर सकते हैं। दिस मोड अलाउ अस टू रिप्लेस टेक्स्ट विद अनदर टेक्स्ट, वी कैन स्विच टू दिस मोड बाय प्रेसिंग आर की, आर की अगर हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तभी इस मोड पे स्विच कर सकते हैं, इस मोड के ऊपर जा सकते हैं। एंड कैन रिटर्न टू द रेगुलर मोड बाय प्रेसिंग एस्केप की, और सेम वैसे जैसे इंसर्ट मोड में हम इंसर्ट करने के बाद वापस एस्केप की से रेगुलर मोड पे चले जाते हैं ना, सेम इसमें भी वैसे ही है। रिप्लेसमेंट करने के बाद, टेक्स्ट को रिप्लेस करने के बाद जो है हम वापस जो है वो आर की से ये एस्केप की से वापस जा सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। जैसे मान लो ये आप इसमें हमने एडिटिंग मोड पे जाना है तो आर की प्रेस करेंगे, एडिटिंग कर सकते हैं। फिर एस्केप की प्रेस की और ये रेगुलर मोड में वापस हो गया। अब इसके बाद सेविंग एंड क्विटिंग वीआई एडिटर, अब इसके बाद आता है इसका सेव मोड, इसको हमने कैसे सेव करना है। सेविंग के लिए वी कैन टाइप, सेव करने के लिए हमें यहाँ पे क्या टाइप करना पड़ेगा, कॉलन डब्ल्यू और क्यू जो है ना, ये दोनों अगर हम इकट्ठे लगाते तो ये फाइल को क्रिएट भी करेगा और साथ में क्विट भी कर देगा। W स्टैंड फॉर राइट और Q स्टैंड फॉर क्विट, ठीक है। फाइल नेम कमांड एंड कैन प्रेस एंटर टू सेव फाइल ऑन ए डिस्क, तो हम इसको सिंगल भी यूज कर सकते हैं, जैसे कॉलन W लिखेंगे ना तो जैसे हम वापस हो जाते हैं। और उसके बाद कॉलन जैसे मैंने प्रेस किए तो यहाँ नीचे चला जाता है, ये यहाँ पे मैंने W लिखा और साथ में फाइल का नाम, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ need.txt, ठीक है। राइट करेगा, यहाँ पे मैसेज आ गया नीचे new 148c return, फाइल जो राइट होगी। अब
अगर इसको हमने क्विट करना होगा तो उसके लिए डब्ल्यू ऐसे इस तरह से यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यू, क्यू स्टैंड फॉर क्विट, क्विट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसको प्रैक्टिकली भी कर लेंगे स्कूल में, और जिनके पास कंप्यूटर है घर में वो भी मॉडिटर इंस्टॉल कर सकते हैं और उन कमांड्स को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट डू यू मीन बाय लिनक्स, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ लिनक्स, लिनक्स क्या है और उसके कंपोनेंट क्या है। यहाँ पे फिर से दोबारा इसकी डेफिनेशन रिपीट हो रही है जो मैंने आपको पहले भी बता दी थी। ठीक है, लिनक्स इज एन ओपन सोर्स, यहाँ पे एन लिख लेना आपने ना, एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स एंड इट्स मोस्ट ऑफ फंक्शंस आर सेम एज विंडोज। ठीक है, लिनक्स एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और पर्सनल कंप्यूटर के लिए, और उसके ज्यादातर फंक्शन है वो विंडोज की तरह है। लिनक्स वाज डेवलप्ड बाय लिनस टोरवाल्ड ड्यूरिंग द 1990s अलोंग विद अदर प्रोग्रामर्स। ठीक है, लिनस टोरवाल्ड ने बनाया था 1990 के दौरान कुछ एक और प्रोग्रामर्स के साथ मिलकर। द लिनक्स नेम इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिनस एंड यूनिक्स, लिनस और यूनिक्स नाम का ही कॉम्बिनेशन है। लिनक्स प्रोवाइड ग्राफिकल यूजर एंड करेक्टर यूजर इंटरफेस बोथ विथ 32 बिट। ठीक है, 32 बिट के साथ दोनों ही इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, GUI और CUI। इट इंक्लूड डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन, अब इसमें इसके और भी डिस्ट्रीब्यूशन है, और भी वर्जन है, रेड हैट है, फेडोरा है, सूजे है, उबंटू है। लिनक्स कर्नल वर्जन 5.6.3 हैज बीन रिलीज्ड ऑन 8th of April 2020। ठीक है, नया वर्जन आया हुआ है लिनक्स का 8 अप्रैल 2020 को, तो आप उसको भी इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं और कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके जो कंपोनेंट्स हैं नीचे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम में पक्का आता है यहाँ से कर्नल क्या होता है। ठीक है, बाकी ये दो पॉइंट नहीं भी आए, इन्वायरमेंट और फाइल स्ट्रक्चर, लेकिन कर्नल जरूर आता है कि कर्नल होता क्या है। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपने आज अच्छी तरह से समझना कि कर्नल होता क्या है। ठीक है, अ कर्नल इज द कोर और मेन प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। अब कर्नल जो है एक मेन कोर प्रोग्राम होता है कंप्यूटर के अंदर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है, और ये ठीक है, दैट प्रोवाइड एन इंटरफेस, जो एक इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, ये जो कर्नल है कंप्यूटर के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं, चाहे वो अंदर हैं चाहे उसके बाहर लगे हुए, जो कोई प्रिंटर लगा हुआ, कोई स्पीकर लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, उनका सॉफ्टवेयर के साथ क्या करता है, ये लिंक इस्टेब्लिश करता है आपस में। ठीक है, कौन से सॉफ्टवेयर की क्या रिक्वायरमेंट है, जैसे मान लो हमारे पास कोई म्यूजिक वाला सॉफ्टवेयर है, उसमें हमने गाने सुनने हैं, तो जैसे हम सॉफ्टवेयर के ऊपर कोई गाने को प्ले की कमांड देंगे तो कर्नल क्या करेगा, उसके लिए ऑडियो डिवाइस ढूंढेगा, कोई स्पीकर ढूंढेगा, तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करवाएगा। हाँ, इसके अलावा कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रही हैं, चाहे वो CPU है, किस हार्डवेयर को कितनी यूसेज देनी है, ठीक है, रैम के अंदर किस प्रोग्राम को कितनी मेमोरी प्रोवाइड करवानी है, ये सारी चीज़ें जो है वो कर्नल करता है, एक प्रोग्राम एक छोटा सा। ठीक है, सच एज शेयर सिस्टम रिसोर्सेज, यहाँ पे सेम वही चीज़ लिखी हुई है कि सिस्टम के अंदर कोई भी रिसोर्सेज शेयर करने हैं, वो प्रोवाइड एक्सेस टू CPU, CPU को एक्सेस प्रोवाइड करवानी है हर एक सॉफ्टवेयर के लिए और हार्डवेयर के बीच में आपस में कितनी यूसेज। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस लाइक हार्ड डिस्क, DVD और CD-ROM, जो भी हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कमांड देंगे इन हार्डवेयर के लिए, जैसे डिस्क रीड करने के लिए देंगे, ये डिस्क को राइट करने के लिए देंगे, या हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल को सेव करने के लिए देंगे, तो वो सारा का सारा काम कौन करेगा, कर्नल करता है इनके बीच में। ठीक है, प्रिंटर थ्रू सिस्टम कॉल्स, प्रिंटर भी, प्रिंटर को मान लो हमने MS Word के किसी डॉक्यूमेंट की कमांड भेजनी है, तो जो कमांड भेजने का जो काम होगा CPU से प्रिंटर तक, ये इनकी सॉफ्टवेयर के जरिए। ठीक है, तो बीच में काम कौन करेगा, कर्नल। अब कर्नल की जो लोकेशन रहती है वो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम 32 फोल्डर होता है उसके अंदर रहती है, इसके साथ हमें छेड़छाड़ नहीं करनी होती है कर्नल के साथ, है ना, यानी कि इस प्रोग्राम को अगर हम डिलीट कर देते हैं तो पूरी की पूरी विंडो जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। ठीक है, और
लिनक्स और उबंटु के अंदर इसकी जो लोकेशन रहती है वो बूट फोल्डर है, बूट फोल्डर के अंदर रहता है कर्नल लिनक्स के अंदर। जैसे मैंने पीछे भी दिखाया है आपको, यहाँ पे ये जो है बूट फोल्डर, यहाँ पे बूट, ये ऊपर बूट फोल्डर इसके अंदर रहता है कर्नल लिनक्स और उबंटु। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट environment, the environment provide an interface that receive command from the user and send these command to the kernel for execution. अब यहाँ पे हम environment की बात कर रहे हैं operating system की, ठीक है। environment काम करने का जो हमारे लिए environment है, ठीक है। the environment provide an interface that receive command from the user. अब environment जो है हमें एक ऐसा मतलब एक तरह का वातावरण प्रोवाइड करवाता है, एक तरह का वातावरण तैयार होता है इसके अंदर, एक तरह का वर्किंग एरिया मिलता है जो हमें इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है कि यूजर से कमांड रिसीव करें और उन कमांड को कर्नल पे भेजे एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। ये काम होगा इन्वायरमेंट का, और ये इन्वायरमेंट का काम करते हैं जैसे लिनक्स में। लिनक्स प्रोवाइड सेवरल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। लिनक्स के अंदर अब ये तरह तरह के इन्वायरमेंट हैं, जैसे डेस्कटॉप हो गया, विंडो मैनेजर है या कमांड लाइन सेल है। अब डेस्कटॉप में तो हम ग्राफिकली काम करते हैं, ठीक है, कमांड क्लिक कर रहे हैं, किसी फाइल के ऊपर डिलीट कर रहे हैं, बना रहे हैं, नया फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। तो वो इन्वायरमेंट जो हमें डेस्कटॉप भी मिल रहा है, और मान लो हमने कमांड के जरिए काम करना है किसी कमांड दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर, जैसे कमांड लाइन सेल का इन्वायरमेंट जहाँ पे हम थ्रो कमांड्स ही काम करते हैं। डेस्कटॉप में तो हम थ्रो माउस काम करते हैं ना, या विंडो मैनेजर के अंदर हम काम करते हैं, टास्क मैनेजर के अंदर काम करते हैं, ठीक है। तो वो सारी की सारी कमांड जो है वो कर्नल के लिए भेजने का काम जो है वो हमारा एनवायरनमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पे फाइल स्ट्रक्चर। द फाइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल स्ट्रक्चर की। फाइल स्ट्रक्चर तैयार होता है हमारा फाइल सिस्टम से, ठीक है। द फाइल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज फाइल ऑन स्टोरेज डिवाइस सच एज ऑन ए डिस्क। अब फाइल स्ट्रक्चर का काम होता है फाइल को ऑर्गेनाइज करना किसी स्टोरेज डिवाइस के ऊपर, जैसे कि हार्ड डिस्क। अब जैसे हम किसी भी ड्राइव को या मेमोरी कार्ड को या पेन ड्राइव को फॉर्मेट करते हैं ना, तो उससे एक फाइल स्ट्रक्चर तैयार होता है, वो आपको क्लियर ही होगा। जैसे हम फॉर्मेट करते हैं ना मेमोरी कार्ड को या हार्ड डिस्क को, तो एक फाइल सिस्टम तैयार होता है, इसमें एक फाइल स्ट्रक्चर तैयार होता है, चाहे NTFS में या FAT32 में जैसे हम बनाते हैं, ठीक है। अब NTFS में तो ऐसा है कि फैट में तो लिमिटेशन होती है, कुछ 1 GB तक सपोर्ट करता है, लेकिन NTFS जो है वो टेराबाइट, जितने मर्जी पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट तक सपोर्ट करते हैं। अब फाइल स्ट्रक्चर का काम है फाइल को ऑर्गेनाइज करने का, मेन कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन थर्ड पॉइंट का ये है। सम डायरेक्टरीज आर रिजर्व्ड फॉर सिस्टम। कुछ एक डायरेक्टरीज होती हैं जो फाइल स्ट्रक्चर के अंदर होती हैं, वो रिजर्व होती हैं, उन्हें हम नहीं बना सकते हैं। सम डायरेक्टरीज आर रिजर्व्ड फॉर सिस्टम यूज। कुछ एक डायरेक्टरीज होते हैं वो रिजर्व होती हैं सिस्टम के यूज के लिए। एंड वी कैन ऑल्सो क्रिएट ओन डायरेक्टरीज फॉर फाइल्स। और इसके अलावा हम खुद ही तो बनाते हैं फोल्डर कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, इसके अंदर हम खुद अपनी जो भी फाइल्स बनाते हैं उनको इसके अंदर डायरेक्टरी के अंदर सेव करते हैं, ठीक है। एक तो होती है सिस्टम रिजर्व्ड वाली, और एक होती है यूजर, जिन्हें यूजर बनाता है ना, सिस्टम वाली यूजर नहीं क्रिएट कर सकता है। ये मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ नेक्स्ट पॉइंट्स में, ठीक है। We can also set permission on directories and files to access or restrict access to others. इसके अलावा हम जो हैं वो permission set कर सकते हैं directories के ऊपर भी और files के ऊपर भी, उनके access के ऊपर, और restrict भी कर सकते हैं user को उनको use करने पर। जैसा कि मैंने आपको CYG bin में commands में वहाँ पे बताया भी था ना, access mode में read, write and execute mode change करना, तो वो सारी की सारी organization का काम करते हैं हमारा file structure। अब ये देखो नीचे कुछ एक नाम दिए हुए हैं, जैसे रिजर्व नेम है इन विंडोज में, कौन कौन नाम से हम विंडो में फोल्डर नहीं बना सकते, PRN नाम से विंडो में फोल्डर नहीं बना सकते, ऑक्स नाम से नहीं बना सकते हैं, नल नाम से नहीं बना सकते हैं, COM1 से लेके COM9 तक हम फोल्डर नहीं बना सकते हैं, डायरेक्टरी नहीं बना सकते हैं, LPT1 से LPT9 तक हम कोई भी फोल्डर जो है विंडोज के अंदर नहीं बना सकते हैं, और फोन के अंदर भी, फोन में मैंने ट्राई नहीं किया कभी, लेकिन विंडोज के अंदर ये नहीं बनते हैं, क्योंकि ये सिस्टम के अपने रिजर्व फोल्डर होते हैं, उनके रिजर्व नाम है, इन नाम से हम नहीं बना सकते हैं, यूजर नहीं बना सकते हैं। चलो चलिए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे कौन नाम से बना लेते हैं कोई फोल्डर,
कौन? स्पेसिफाइड डिवाइस नेम इज इनवैलिड, इस नाम से नहीं बनेगा फोल्डर, कौन नाम से? अगर LPT1 नाम से बनाते हैं तो भी देख लेते हैं, नहीं बना सकते हैं कंप्यूटर में इस नाम से भी। COM1 से लेके COM9 तक बना सकते हैं। ऑक्स नाम से देख लेते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एक फोल्डर्स होते हैं डायरेक्टिव्स के जो नाम होते हैं वो रिजर्व होते हैं, ये ऑलरेडी फाइल स्ट्रक्चर के अंदर बने हुए होते हैं, जिनको हम एज ए यूजर फोल्डर या एज ए यूजर फाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसके साथ ये हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। कल फिर हम नए चैप्टर और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।